हेलो बच्चों, ये है स्टैंडर्ड 9th का मराठी का लोअर लैंग्वेज का फर्स्ट सेमेस्टर का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। आपको 3 घंटे का समय इसके लिए मिलता है। तो बच्चों, एग्जाम में जाने से पहले इस पेपर की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आपको मैं पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपकी कुछ सहायता हो सके, आपका पेपर अच्छे तरीके से जाए। इसके लिए आप बस, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी दोस्तों तक भी चैनल के लिंक को जरूर फॉरवर्ड कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, मैं आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरा साथ तो दे ही सकते हैं। बस आपको सब्सक्राइब करना है चैनल, और हम लोग हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे सैंपल पेपर अपलोड करते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल पर आएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। आप चाहे किसी भी स्टैंडर्ड के हो, क्लास 5th से लेकर क्लास 10th तक के सारे सैंपल पेपर हमने अपलोड कर दिया है। ये जो है पिछले साल का पेपर है। जैसे ही हमारे पास और भी कोई सैंपल पेपर आएगा, वो सब मैं अपलोड करते जाऊंगा। बस आप एग्जाम में जाने से पहले इस पेपर को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ के जाइएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका पेपर जो रहेगा उसमें आप अच्छे तरीके से लिख सकोगे, क्वेश्चंस अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इससे एक रफ आइडिया भी आपको मिल जाएगा ना, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देख आ रहे हैं। ओके, तो आपका जो पेपर सॉल्व करना रहेगा वो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आप लोग इस पेपर को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और हाँ बच्चों, आप जो है चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग चैनल पर लेटेस्ट से लेटेस्ट जो भी सैंपल पेपर हमारे पास आते जाएगा, हम लोग उसको अपलोड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मराठी का पेपर है, लास्ट ईयर का पेपर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कैसे आए थे, तो ये सब आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे आपको भी एक आइडिया लग रहा होगा कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में फिर से बनाकर आ सकते हैं। तो सब आप लोग उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकोगे। तो ये फटाफट आप लोग पेपर देख लीजिएगा। विभाग 4 भाषा अभ्यास, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, देखते जाइएगा। और हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों तक भी चैनल के लिंक को जरूर फॉरवर्ड कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से पूरा पेपर दिख गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली आप अपने टीचर की मदद लीजिएगा, बट इसको पेपर को सॉल्व करवा लीजिएगा या सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इसके भी आ सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकते रहेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले। और चैनल को तो सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपको हम लोग लेटेस्ट से लेटेस्ट सैंपल पेपर प्रोवाइड करके दे रहे हैं, ताकि आपका काम आसान हो सके, आप अच्छे से पेपर लिख पाओ। यही मेरी आपसे मतलब शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ, आपके पेपर अच्छे तरीके से जाए। और हाँ बच्चों, मैं तो मैथ सब्जेक्ट का टीचर हूँ, तो मैं मैथ सब्जेक्ट में आपको अच्छे तरीके से मैं गाइड कर पाऊंगा। बट ये जो है इंग्लिश का पेपर है या हिंदी का, मैं बस आपके मतलब आपका जो है फायदा हो सके, आपका एग्जाम अच्छे तरीके से चले जाए, इसलिए मैं इसका सैंपल पेपर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप अपने दोस्तों तक भी चैनल के लिंक को तो जरूर फॉरवर्ड कर लीजिएगा कि आपने आई होप पेपर अच्छे तरीके से देख लिया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।